रही है वो आपको बता दें, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जी हां, आज दिल्ली में फाइनल फैसला होना है। पर्यवेक्षकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कांग्रेस विधायकों की राय लेकर रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। ढाई ढाई साल के सीएम को लेकर चर्चा हुई है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का दावा है दोपहर तक आज फैसला जो है वो आ जाएगा। ईश्वर खांडे ने यह दावा किया है कि आज दोपहर तक फैसला सामने आ जाएगा, यानी कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा। ये जो सस्पेंस अभी बरकरार है, उस सस्पेंस पर से पर्दा एक तरीके से कह सकते हैं ये उठ जाएगा, और दोपहर तक बताया जा रहा है कि ये क्लियर हो जाएगा कि कर्नाटक सत्ता की कमान किसकी हाथों में जाएगी। एक तरफ डीके शिव कुमार है, दूसरी तरफ सिद्धारमैया, और दोनों के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि उनके नेता जो है वो कर्नाटक की कुर्सी पर काबिज हो। एक तरफ तीन ऑब्जर्वर्स जो थे उन्होंने कांग्रेस विधायकों से बातचीत की है, उसके बाद डिटेल रिपोर्ट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी, तो अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। यानी कल जिस तरीके से सिद्धारमैया बैलेट बॉक्स जब खुला था तो उस रेस में आगे थे, उसके बाद भी फैसला अभी पेंडिंग है। हाई कमान जो है वो अपनी अंतिम मोहर लगाएगी और पता चलेगा कि कर्नाटक की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। तो कर्नाटक में सीएम कौन, इस पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देर रात अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ये दावा करते नजर आए हैं कि रिपोर्ट में क्या है ये बात अभी सामने नहीं आई है। ऑब्जर्वर्स ने अपनी लिखित रिपोर्ट हमें दी है, कांग्रेस अध्यक्ष जी को दी है, ना मुझे उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा ना जानकारी है। ये रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में है। बाकायदा खड़गे साहब एआईसीसी प्रेसिडेंट ना केवल प्रांतीय नेताओं से व्यापक चर्चा करेंगे, पर उसके साथ साथ दूसरे जो नेता हैं दिल्ली में और प्रांतीय स्तर पर हर आदमी की राय लेंगे। राय लेकर कर्नाटक के हक में और 6.5 करोड़ कन्नडिगास के हक में हम निर्णय लेंगे। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं कर्नाटक के, वो सब आएंगे हमारे अध्यक्ष जी से, और सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात करके वो भी फाइनल हो जाएगा। और कल मेरा ख्याल से सब कुछ कल डिसीजन हो जाएगा, डेफिनेटली यस, कल दोपहर तक हो जाएगा। कर्नाटक में सीएम पद की दावेदारी को लेकर सिद्धारमैया ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है, जबकि डीके शिवकुमार अभी तक दिल्ली से दूरी बना रखी है। इसे कांग्रेस आला कमान पर दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा है डीके शिवकुमार को पेट का इन्फेक्शन है, इसलिए वो अभी दिल्ली नहीं आ पाए हैं। उधर शिवकुमार की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि मेरा निजी कार्यक्रम है, उसके बाद अपने ईष्ट देव के दर्शन के लिए दिल्ली आऊंगा। हालांकि शिवकुमार के प्रतिनिधि के तौर पर उनके भाई और कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके सुरेश दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी और बाहर आकर ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भाई सीएम बने। तो एक तरफ डीके सुरेश जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब हुए हैं, जिसमें ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भाई सीएम बने, तो जाहिर सी बात है आज शायद पर्दा उठ जाए, सस्पेंस जो बरकरार है वो शायद खत्म हो जाए, दोपहर तक पता चल जाए कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा। कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार अपने अपने पक्ष में क्या कुछ गिनवा रहे हैं उसे भी जान लीजिए। आपको बताते हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी सरकार से लड़ाई लड़ी सिद्धारमैया ने, वहीं डीके शिवकुमार कह रहे हैं 2018 में कांग्रेस की हार हुई, मैंने फिर जनाधार तैयार किया। इमोशनल तरीके से डीके शिवकुमार ने इस बात को भी रखा है। वहीं सिद्धारमैया ये कह रहे हैं सीएम पद के लिए अनुभव लोकप्रियता आखिरी मौका है, मतलब ज्यादातर लोग चाहते हैं, और बैलेट बॉक्स जब खुला था तो उसमें भी सिद्धारमैया जो है वो डीके शिवकुमार से आगे चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये बात भी सिद्धारमैया रख रहे हैं। वहीं डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि 8 बार का विधायक वो रह चुके हैं, सीएम बनने की सारी योग्यता डीके शिवकुमार में है, तो इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। सिद्धारमैया का कहना है कि मुझे कुरुबा दलित ओबीसी अल्पसंख्यकों का समर्थन है, तो डीके शिवकुमार ये कह रहे हैं कि कर्नाटक के 11% वो कालीगा मुझे सीएम देखना चाहते हैं।
और ये फैक्टर भी है जिसे कांग्रेस नजरअंदाज नहीं कर सकती। कर्नाटक में सीएम की दावेदारी में आखिरी बाजी आखिरकार कौन जीतेगा, इसका फैसला कांग्रेस आला कमान को ही करना है। उससे पहले आज शाम पर्यवेक्षकों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार और मुलाकात करने वाले हैं, यानी ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। एक बार और मुलाकात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बातचीत करेंगे। बड़ी खबर यह मिल रही है कि इस मुलाकात से पहले सिद्धरमैया सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। शिव कुमार की ओर से भी कहा गया है कि दिल्ली पहुंचते ही सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा, तो दोनों नेता आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। जाहिर है कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, सिद्धरमैया के हाथों कमान सौंपी जाएगी या फिर यहां डीके शिवकुमार को इस बार मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते आगे। While you were speaking to the media, you said no numbers matter other than 135 that I've delivered for the Congress party. See, I'm telling you, what majority you need? All are congressmen. We all have to work together. We have made a resolution, online resolution, one line resolution. Party is the high command. How can I speak on numbers? How can I speak on majority? I don't have any number. Has any channel of communication been opened between you and the high command, sir? I am a part of the system. I say, what channel, what nonsense you are speaking? What channel you need? I am a party president, I say. Can we expect an announcement tomorrow by High Command? I don't know. और बड़ी खबर